नमस्कार मेरा नाम डी के सिंह है मेरे साथ हैं उर्जिता भारद्वाज कैमरे के पीछे और आपके लिए हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं यशुदान भाई गधवे आम आदमी पार्टी के अभी सबसे पॉपुलर लीडर अभी हमें पता नहीं है वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे फोर्थ को या अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में क्या है बट यहाँ पर इनको आप देखें काफ़ी पॉपुलर है काफ़ी अट्रैक्शन मिलता है इनके साथ मैं रोड शो में घूम रहा हूँ आइए उनसे बातचीत करते हैं बिल्कुल सिंह साहब बहुत बहुत आ, प्रिंट का आभार हूँ कि वो यहाँ आए और आपने भी देखा होगा कि हम गुजरात की जनता के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं आप हमें ये बताएं कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात के लिए ला सकती है ऐसा या क्या प्रॉमिस कर रही है जिससे कि वो नरेंद्र मोदी जी के इतने लंबे ट्रेनें और जो भी यहाँ सी रहे हों उनको चेंज करके आपको ले आए देखो नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पे थे सीएम के तौर पर तब तो नो डाउट गुजरात उनको चाहती थी लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी यहाँ से पीएम बनकर गए हैं पीछे वालों ने गुजरात का बहुत बुरा हाल कर दिया है गुजरात का इतना बुरा हाल किया कि 2017 में इन्होंने किसानों को एक वचन दिया था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे दोगुनी करेंगे लेकिन आय की बजाय उनकी जाए दुगनी हो गई जावक दुगनी हो गई किसान परेशान है सबसे बड़ा बेरोजगारी जो युवान है आपको मैं तहसील के लिए 25 लाख फॉर्म पर्चे भरे गए थे 2018 में वो पेपर लीक हुआ फिर 2022 में वही एग्ज़ाम बाहर एग्जाम के पर्चे भरवाने के लिए मंगवाते हैं आज तक वो एग्ज़ाम ले नहीं पाए क्यों क्योंकि पेपर लीक होने का डर है तो बेरोजगार क्यों आम आदमी को चुन रहे हैं क्योंकि आम आदमी के एक तो करप्शन नहीं है दूसरा वो पेपर ले सकते हैं पढ़े लिखे हैं तो ये जो पीछे वालों ने जो एक गुजरात का जो हाल कर दिया है बुरा हाल कर दिया है आप देखिए जितने भी लोग हैं परेशान हैं कर्मचारी परेशान है किसान परेशान है बेरोजगार युवा परेशान है गरीब वर्ग परेशान है महंगाई इतनी बढ़ गई है इतना करप्शन बढ़ा है गुजरात का कोई जगह नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होगा तो इसलिए मुझे लगता है कि अब गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास है उनकी गारंटियों पर विश्वास है महंगाई इतनी बढ़ चुकी है स्वाभाविक तौर पर बिजली फ्री सबको चाहिए भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं सी पाटिल जी जो बोल रहे हैं वो उनके कार्यकर्ताओं का विरोध कर रहे हैं ये तो गलत बात है सी आर पाटिल जी चार हज़ार यूनिट मुफ्त में बिजली लेते हैं मकान लेते हैं रहने का बंगला बंगला सब कुछ लेते हैं लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख को जब 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही तो उनका विरोध कर रहे हैं तो अब पन्ना प्रमुख ने भी तय कर लिया है कि अब भाजपा को घर पर बिठाने भाजपा के पन्ना प्रमुख ने इसलिए बदलाव निश्चित है दो में पूरे देश ने एक गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस के लिए मोदी जी को वोट दिया ऐसा क्या हो गया आठ सालों में क्या आपको लग रहा है कि लोग उसको रिजेक्ट करके केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखो हर लोगों का हर सरकार का हर पार्टी का एक टाइम होता है जब टाइम चला जाता है ना और एक अपनी वादों का भी टाइम होता है जब वादे पूरे नहीं होते हैं लोग चाहते कि यार ये तो हमने हमको क्या मूर्ख समझ रहे हैं हमें क्या समझ रहे हैं ये लोग? लोगों में इसलिए गुस्सा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो आपके जितने ब्रिज है वो टूट रहे हैं आपके रास्ते इतने ख़राब हैं आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए छः हज़ार स्कूलें बंद कर दिए जबकि चालू करनी चाहिए थी आपके पास साइकिल होती है जो आपका डेवलपमेंट होता है तो आप मोपेड पर आते हैं कार पे आते हैं ये लोग डाउन जा रहे हैं तो ये देखो 2014 में बात अलग थी और 2017 में कांग्रेस भी मजबूत थी लेकिन 2017 में जब कांग्रेस नहीं आई और कांग्रेस के लोग बिकने शुरू हो गए तब से कांग्रेस पे भी विश्वास उठ गया है आम आदमी पार्टी क्यों गुजरात में चली है देखो मैं एक पोलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर आपको बताऊंगा ये मैं पॉलिटिकल नेता की तरफ बात नहीं करूंगा मैं इसलिए कि द प्रिंट के लोगों को व्यूवर्स को पता चले आप देख लीजिए तीसरी पार्टी तभी एंट्री कर सकती है जब फर्स्ट या सेकंड पार्टी डाउन होती है आम आदमी पार्टी का किस्मत है लोगों की किस्मत है कि जो विपक्ष था कांग्रेस वो कमजोर हुआ 2015 में जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत 31 की चुनाव था उसमें से 25 पे कांग्रेस थी और दो पे टाई पड़ी थी यानी कि 27 रूरल पूरा कांग्रेस था आप नगर पालिका में देख लीजिए कांग्रेस थी लेकिन 2021 फरवरी में जब चुनाव हुआ तब 31 में थे 31 भाजपा यानी कि कांग्रेस खत्म हो गई तब आम आदमी पार्टी को लोग एक के तौर पर देखने लगे एल सीधा देखने लगे आज छासठ एम एल हैं कांग्रेस के एक एम एल ए का स्टेटस मुझे दिखाइए कि जो उन्होंने वादा किया हो कांग्रेस के एक बड़े नेता का स्टेटस दिखाइए कि जो उन्होंने वादा किया हो और लोगों कर्मचारियों में स्टेटस रखा हो अरविंद केजरीवाल जी एक वादा करते हैं पुलिस की परेड के लिए साठ हज़ार पुलिस वाले स्टेटस रखते हैं कर्मचारी जो ये ओ लागू किया कर्मचारी लोग सब आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं ये विश्वास की बात है चुनाव उम्मीद से जीता जाता है चुनाव विश्वास से जीता जाता है चुनाव आपके कामों से जीता जाता है आपके चेहरे से जीता जाता है और इसलिए मुझे लग रहा है कि गुजरात इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देने वाला है लेकिन आपके पास फिर वो चेहरा एक आप काफी पॉपुलर हैं आपके स्टेट प्रेसिडेंट है लेकिन वो चेहरा जो एक, एक पैन स्टेट चेहरे उभरने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम आप लोगों को मिला नहीं है पिछले एक साल एक साल से आपका दोबारा से दो के बाद आम आदमी पार्टी शांत हो गई थी यहाँ पर लास्ट ईयर से आप लोगों ने फिर शुरू किया है उसमें एक पूरे स्टेट में एक चेहरा किसी को शोकेस करना और अभी तक आपने सीएम अनाउंस भी नहीं किया चार को होने वाली है वो कितना एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपको देखिए 2017 में मैं खुद मान रहा हूँ कि तब कांग्रेस मजबूत थी और जब दो पार्टियां मजबूत होती है आप किसी भी राज्य में चले जाओ तब तक तीसरी पार्टी की एंट्री नहीं होती जो उसमें से कोई एक कमजोर हो 2022 की कांग्रेस खत्म है पूरी कांग्रेस है ही नहीं पिक्चर में कांग्रेस की मैं हार्डली बता रहा हूं दस बारह सीट अगर उनके कैंडिडेट के वजह से आगे तो आगे बाकी कांग्रेस बिक जाती है इसलिए लोग उसको वोट नहीं दे रहे हैं हमारा इंटरनल सर्वे भी ये कह रहा है आपने कहा कि आम आदमी पार्टी फिर से फिर से नहीं है दो में आम आदमी पार्टी लड़ी ही नहीं थी कुछ एकाध दूजे पे कर रही होगी तब तो मैं भी जर्नलिस्ट था लेकिन 2022 में क्योंकि हमें लगा कि अब गुजरात की जनता को उम्मीद की तरह देख रही इसलिए आम आदमी पार्टी को सबने पसंद किया पसंद करने के बाद आपने कहा चौदह महीने हुए हैं मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन के मैंने एक लाख दस हज़ार किलोमीटर का प्रवास किया है मैं चौदह महीने में हार्डली मेरे घर पर बहुत कम रहा हूँ मैं नहीं पूरी आम आदमी पार्टी आज भाजपा को अगर टक्कर दे सके इतना अगर हमारे पास संगठन है तो ये आम आदमी पार्टी के पास है ये पूरी सिस्टमेटिकली चलने वाली पार्टी है हमको पता है कि सभाएं में लाख लोग आने आने से चुनाव नहीं जीता जाता है चुनाव जीतने के लिए संगठन चाहिए संगठन प्रॉपर वे से काम करना चाहिए तो उस हिसाब से हम जा रहे हैं तीसरी आप बात की कि आपके पास लोकप्रिय चेहरा कहाँ है देखो भाजपा के पास सी आर पाटिल जाता है ना तो दो लोग भी उसके पास नहीं आते अब सी एम का आप नाम पूछ लो किसी को पता नहीं है भाजपा तो पूरी डबी हुई है कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के नाम से भी चिड़ते हैं उसके लीडर को तो छोड़ दो हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी को लोग उम्मीद की तरह देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने जो पंजाब में सरकार आई पंजाब में उन्होंने जो वादा किया था बिजली फ्री का वो पूरा कर दिया छः महीने में आधे वादे पूरे कर दिया आप देख लीजिए सात महीने की सरकार में या तो लोग क्या करते हैं पॉलिटिकल चार साल तक लूटते हैं फिर एक साल बांटते हैं ये आम आदमी पार्टी नहीं है और इसलिए लोगों को अपने बच्चों को जो अपना बच्चा पढ़ रहा है सात साल में दिल्ली में एक स्कूल प्राइवेट स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई यहाँ लोग परेशान हैं शहर के लोग भी परेशान हैं यहाँ बिजली फ्री मिल रही है वहाँ पे यहाँ पर भी, भी लोग परेशान हैं महंगाई से तो ये जो मुद्दे हैं मुझे लग रहा है कि वो चलेगा और आप देख लेना पंजाब की तरह आंधी आई है इसमें आपको एक चीफ मिनिस्ट्रियल फेस के रूप में देखा जा रहा है यहाँ पेकर तो आपका आप देख देखो मैं तो एक आम आदमी हूँ मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ मैं अरविंद केजरीवाल जी का कट्टर ईमानदार पार्टी का सिपाही हूँ हम कुछ बनने के लिए नहीं आए हैं हम सबको छोड़कर जनता की पीड़ा जो दिख नहीं पा रही थी इसलिए आए हैं इसलिए आ, मुझे नहीं लग रहा है कि आ, गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल जी को इस बार मौके से जाने देगी इस बार हंड्रेड परसेंट मौका देगी तो आपको तो गुजरात में लोग जानते हैं गुजरात के बाहर में लोग आपके बारे में काफ़ी क्यूरियस है कौन हो क्या बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स में कब डिसाइड किया आपने कि पॉलिटिक्स में जाना है क्या ट्रिगर था कुछ बताएंगे बिल्कुल देखो मैं गुजरात से बहुत प्रेम करता हूँ गुजरात से बहुत प्यार करता हूँ आपको ताजुब होगा कि जब मेरा शो चल रहा था मेरा शो महामथन गुजरात हाँ एक घंटे का शो था सिंह साहब लोगों की इतनी डिमांड आई डेढ़ घंटे का शो था डेढ़ घंटे का मैंने किया अच्छा, डेढ़ घंटे का कंटिन्यू और डेढ़ घंटे में टीआरबी का एक पॉइंट कम नहीं होता था रामायण और महाभारत जिस तरह से सीरियल आती थी और लोग कर्फ्यू लगा देते थे उस तरह गुजरात में मेरा शो देखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया किसके किस बारे में था जनरली लोगों नहीं मैं समस्या मुद्दा के। मैं समस्या हूँ हो गया मैं कभी मैं पत्रकारिता मुद्दों से पत्रकारिता की मेरे में ये नहीं था कि इधर से वो चला गया तो क्या इधर से कुछ वर्क नहीं पड़ रहा है मुद्दों पर मैंने पत्रकारिता की है मैंने किसानों के लिए बहुत आवाज उठाई है आज किसान मुझे मतलब कि भगवान तरह मान रहे हैं लुका बहुत उम्मीद से देख रहे हैं आपने कहा ना कि क्यों आना पड़ा मैं तो अच्छी खासी नौकरी करता था अच्छी खासी सैलरी भगवान ने दी थी कम उम्र में मैं एडिटर इन चीफ बन गया था कम उम्र में मैं जब ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था तब से मैंने तय किया था कि मैं पत्रकार तो इसलिए बनूंगा कि लोगों की आवाज़ बन सकूं लेकिन एक पीरियड ऐसा आया कि लोग मेरी ऑफिस पे स्टूडियो ढूंढकर मेरी चैनल के स्टूडियो में सुबह सात आठ बजे से आ जाते जा थे पचास सौ लोग समस्याओं छोटी छोटी समस्याओं लेकर उम्मीद थी कि सुदान भाई के पास पहुंच गए समस्या खत्म हो जाएगी लेकिन जरूरी नहीं था फिर मुझे लगा फिर कोरोना में जो जिस तरह से ये हालत हुई बुरी फिर मैंने किसानों के लिए कुछ सरकार को सजेशन किया सरकार नहीं मानी फिर मुझे लगा कि यार मैं सेफ जॉब है इसलिए मैं इतना करके छूट जाता हूँ ये मेरी ईश्वर एग्जाम कर रहा है परीक्षा कर रहा है मेरा शो पंद्रह दिन में एक बार मैं आउटडोर करता था हजारों लोग स्वयंभू आते थे स्वयंभू उसमें आप क्लिपिंग भी देख सकोगे मुझे बाहर आउट ऑफ अमेरिका में लोग बुलाते थे, थे कि शो कर मैं क्यों आऊँ मैं वहाँ गुजराती थे मैं क्यों आऊँ मुझे तो यहाँ गुजरात की समस्याओं के लिए है मैंने आज तक मेरे पासपोर्ट नहीं निकाला कि शायद अगर कोई मुझे जल्दबाजी से ले जाए मुझे गुजरात की जनता के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं कहीं बार पासपोर्ट नहीं निकल रहा मतलब कि विदेश में जाने के लिए लोग बुलाते थे कि यहाँ आओ यहाँ महामंथन करो बनाना ही नहीं बनाया नहीं मैंने नहीं बनाया मैं इस बहाने निकल जाता था यार मेरे पासपोर्ट नहीं है अभी मेरा टाइम नहीं है फिर बाद में कर लेंगे इतने वहाँ से आए कि खर्चा देते हैं आपको यहाँ आप सो करिए वहाँ गुजराती रहते हैं वहाँ सो मैं क्यों वहाँ के गुजराती हो तो बहुत सुखी है अच्छा है भगवान मैं तो गुजराती हूँ यहाँ जो दुखी है उसके लिए हो तो इस वजह से कहने का मतलब कि मैं गुजरात से बहुत प्यार करता हूँ और गुजरातियों के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करना चाहता हूँ तो इस चीज़ की वजह से मुझे आखिर में लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में एंट्री करनी पड़ेगी तब तीनों पार्टियाँ जब मैंने रिज़ाइन किया तो भाजपा भी आई कांग्रेस भी आई आम आदमी आई लेकिन आम आदमी इसलिए कि मैं जिस मुद्दों के आपको ताजुब होगा जब कोरोना काल में आ, मैं फीस के लिए मैंने सो किया था फीस कम करो सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंटेज कम की सरकार ने फीस पचहत्तर प्रतिशत ली फिर मैंने संचालकों को अपील की एक सौ बीस करोड़ मेरी अपील की चलते संचालकों ने फीस कम की थी एक सौ बीस करोड़ रुपये स्कूल के, के संचालकों ने प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने मैंने तकरीबन तीन साल में किसानों के लिए हज़ारों करोड़ उनके खाते में डलवाए होंगे हजारों करोड़ लड़कर ये क्यों नहीं कर रहे हैं फिर भी दो पांच प्रतिशत ही सरकार करती थी लेकिन एक डर था सरकार को कि यार तो मतलब पत्रकारिता की और इसलिए मुझे लो, लोगों ने दिल में बसाया मैं मान रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज पे चर्चा देखी सुबह से मैं आपको ट्वीट देख रहा था अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह से और कल से एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं मोरबी ट्रेजडी के लिए कि बार बार कपड़े बदलते हैं इतनी बड़ी ट्रेजडी हुई है फिर भी इलेक्शन मीटिंग्स करते रहते हैं देखो सिंह साहब मैं ये मान रहा हूँ कि नरेंद्र भाई हमारे प्राइम प्राइम मिनिस्टर है हम सब के प्राइम मिनिस्टर है वो भाजपा के प्राइम मिनिस्टर नहीं है आज ट्रेजिडी हुई है अमेरिका प्रेसिडेंट वीडियो बना रहा है पुतिन वीडियो बना रहा है और हम तीन दिन से गुजरात में हम कार्यक्रम चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं ठीक नहीं है मैसेज ठीक नहीं जा रहा है और गुजरातियों के लिए हर हम हम कितने लोग की चिताएं जल रही है और हम ये कहें कि नहीं अभी मैं तो चुनावी रैलियाँ करूँगा इसलिए मैंने आज ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को प्लीज़ यार आप पे लोग तो उम्मीद है आप प्रधानमंत्री है आपको अभी चुनावी रैलियाँ ख़त्म करके वहाँ जाकर एक मीटिंग करके वो पूरा काम करने की ज़रूरत थी वो अगर वो एक फ़ोन भी कर देते हैं तो पूरा एक्शन में आ जाते हैं आपको ताजुब होगा ये जो ट्रेजेडी हुई है एक प्राइवेट कंपनी को बिना टेंडर दे देते हैं बिना टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं आप ताजुब होगा चार अच्छे नौ महीने में मरम्मत करा के फिर ये चालू करना था चुनाव था इसे कर दिया एक अहमदाबाद में अटल ब्रिज किया एक ये किया और ये ट्रेजेडी होती है भाजपा वाले इतने बेसरम हो गए वो वो ट्वीट करके ये पुराने वीडियो डाल रहे हैं कि देखो जनता ने जनता ये हिला रही इसलिए टूटा ये दूसरे वीडियो है यार कुछ किसी का भी है किसी का बच्चा होगा किसी की माँ मैं तो गया था हॉस्पिटल पहले पहले मैं पहुंचा था मैं और हमारे अध्यक्ष गोपाल भाई एक बच्ची लेटी थी डेड बॉडी मैंने पूछा मैंने उनको नमन किया उन्होंने कहा पास वालों ने कि आठ लोग थे सिर्फ एक बच्चे सात की डेड बॉडी पड़ी है एक बेड पर दो दो डेड बॉडी पड़ी थी तो इस इस ट्रेजेडी में अगर आप गुजरातियों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक दिन के लिए भी अब रैलियाँ नहीं कर रोक सकते तो मुझे लगता है कि कुछ तो कुछ तो 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 भाई आप उनके कपड़ों को तो देख रहे हैं लेकिन वो जो बोल नहीं पा रहे थे इतने भावुक हो गए थे उस मीटिंग में तो इससे ये तो नहीं लगता कि वो मतलब ज़्यादा वो मतलब देख नहीं रहे क्या है उतने ही इमोशनली काफ़ी वो हर्ट हुए थे इससे वो हुए ही होंगे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ हुए ही होंगे लेकिन आपको आप याद करिए जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था वहाँ पाटिल जी करके गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल और उस टाइम उन्होंने दो बार कपड़े चेंज किए थे हाँ दो या तीन बार और मीडिया ने भी बेखूबी रोल अदा किया था कि यार आप अब ट्रेजेडी वहां हो, यार कपड़े चेंज कर रहे हैं क्या चीज है मीडिया को भी अपनी अदा रोल करना पड़ेगा हमें भी इस धरती से जाना है ईश्वर के दरबार में पैसे होते हैं सैलरी होती है फोन आते हैं मैंने भी सोलह साल काम किया नहीं क्या नहीं है मालिकों का दबाव होता है सब कुछ होता है लेकिन मौत पे तो कम से कम नहीं कल मेरा और आपका भी कोई बच्चा हो सकता है तब मौत पे कम से कम आपको आपकी निष्ठा के तौर पर आपको काम करना है ये 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 पत्रकारों को भी सवाल उठाना चाहिए अगर सब सब काम दूसरे ही करेंगे तो पत्रकारिता तो का भी काम क्या है उनको ये सवाल उठाना चाहिए था कि ये शिवराज पाटिल है तीन बार कपड़े चेंज हुए थे तब मीडिया का रोल देखो आज साहब ने दो बार कपड़े चेंज किए मीडिया का रोल देखो दुख तो होगा नहीं होगा ऐसा नहीं मान रहा हूँ मैं लेकिन सिर्फ रो देने से या भावुक हो जाने से परिस्थितियाँ नहीं बदल जाती है चिताएँ जल रही है उनको उनको उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है हमें कुछ दिल से करना पड़ेगा जिगर से करना पड़ेगा और उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि पचास साल पहले नरेंद्र मोदी को कोई पहचानता नहीं था सुधान गढ़वी को मैं भी पैदा भी नहीं हुआ था पचास साल बाद कोई यहाँ धरती पर हम रहने वाले भी नहीं हैं हमें भी कुदरत के दरबार में जाना है हमें भी एक दिन शमठान में जाना है इसलिए राजनीति राजनीति की जगह होती है जहाँ लोगों की बात आए तब हमें सिर्फ ईश्वर को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए मोदी जी जी जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तब आपने पत्रकार के रूप में काफी क्लोजली उनका गवर्नेंस उनको आपने देखा होगा अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो उस समय के मोदी में और अभी के मोदी में क्या अंतर है और उस समय के गुजरात में और अभी के गुजरात में क्या अंतर है देखो तो एक चीज़ माननी पड़ेगी उस टाइम नरेंद्र भाई मोदी बहुत आवाज उठाते थे, थे केंद्र सरकार के खिलाफ और अच्छा लगता था सत्य बोलते थे जब महंगाई होती थी तो बोलते देखो डीजल पेट्रोल कितनी महंगाई हो गई आज वो नरेंद्र भाई डीजल पेट्रोल पे मौन है तब उन्होंने कहा था कि आप जब भी चुनाव में वोट करने जाओ तो गैस सिलेंडर को नमन करके जाना वो साढ़े तीन सौ का भाव था और आज ग्यारह सौ को हो गया मैं ये बोल रहा हूँ कि नरेंद्र भाई एक शब्द बोल दे गैस सिलेंडर को नमन करने के लिए नरेंद्र भाई वैसे वैसे मैंने पत्रकारिता तौर पर भी हमने अच्छे काम किए हैं साथ उनके साथ नहीं किया ऐसा नहीं है लेकिन तब आवाज़ उठती थी आज पता नहीं आवाज़ दब गई ऐसा लग रहा है नरेंद्र भाई की भी कुछ मजबूरियाँ होगी लेकिन आवाज़ दब गई है गुजरात की जनता के लिए भी यहाँ एक थप्पड़ वाली बहुत एड चलती थी कि केंद्र सरकार ने थप्पड़ मारा केंद्र सरकार ने थप्पड़ मारा आज बहुत थप्पड़ें लग चुकी है अब देखो हमें थप्पड़ वाला ये था कि केंद्र सरकार मतलब कि यहाँ फंड नहीं देती थी वहाँ मतलब कि पैसे जो बाकी थे वो नहीं देती थी तो थप्पड़ वाली एड चलाती थी एक, एक, एक बहन आती थी वो थप्पड़ की एड में एक्टिंग कर रही थी लेकिन आज आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ अच्छी स्कूलें नहीं बनी है अच्छे अस्पताल नहीं बने हैं अपने को जो गुजरात को जिसके जिसका फंड चाहिए गुजरात को मिलना चाहिए जीएसटी एस टी के तहत तो वो नहीं मिल रहा है और तो और ऊपर से ये कह रहे हैं डबल इंजन कहाँ डबल इंजन है दोनों इंजन ख़राब है दोनों इंजन बकवास है फिर भी मैंने कहा ना कि आ, तब नरेंद्र भाई आवाज तो कम से कम केंद्र के खिलाफ जो भी है उठाते तो थे आज वो वो मौन दिख रहे हैं आप भी वीडियो उसको देख लेना आपको मजा आएगी उसमें देखने की तब उनका स्वरूप था कि क्यार जनता के लिए कुछ होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए लेकिन आज पता नहीं जब वो बोल रहे थे कि, कि किसानों को दाम मिलने चाहिए अच्छे आज नहीं मिल रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन आप जो पर्सनल अटैक मोदी जी पे कर रहे हैं उनके कपड़ों को लेके आपको लगता नहीं ये बैकफायर कर जाए क्योंकि याद हो आपको जब सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर बोला था तब जब आपके कांग्रेस में एक बहुत सीनियर मनीष नगर ने उनको नीच बोला था तब फिर आपके अपने प्रेसिडेंट गोपाल इटालिया ने जब उनकी उनको उनकी माँ को जामेबाज बोला फिर बोला कि औरतों को मंदी मतलब जामेबाज बोलने के बाद जिस तरह से मोदी जी ने रिएक्ट किया कि इसको फिर से गुजरात की अस्मिता का सवाल बन गया है कि मोदी को अटैक कर रहे हैं लोग पहले भी कई इलेक्शंस में देखा फिर आप लोग पर्सनली अटैक कर रहे हैं डर नहीं लगता है कि बैक फायर कर जाएगा जैसे पहले किया था मैं तो मोदी साहब को अपील करता हूँ मैंने एक सभा में दो दिन पहले ही अपील की है कि नरेंद्र भाई देखो आपकी आबरू ये लोग निकाल रहे हैं जो भाजपा वाले वह अब देखो अमेरिका में नरेंद्र भाई गए समझो तो दो अमेरिका वाले बात करते होंगे कि नरेंद्र भाई आए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं गुजरात से आए हैं तो वो देखेंगे अरे गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं भाई तो नरेंद्र भाई की इज्जत कम हुई कि नहीं हुई मैं उनको आ, आश्वासन देता हूं कि एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद करिए गुजरात में एक पेपर किसी की औकात नहीं है कि वो लीक होकर देखे एक करप्शन नहीं होने देंगे एक ब्रिज में करप्शन नहीं होने देंगे दूसरे दिन का सूरज अगर निकलेगा ना तो करप्शन में मंत्री होगा आम आदमी का वो जेल में होगा एक बार हमें मदद कर दीजिए तो मैं तो ये कह रहा हूं नरेंद्र भाई को इसे मदद मांग रहे हैं आम आदमी की पार्टी की सरकार बनाने की बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो नरेंद्र भाई की मोदी की इज्जत बची रहेगी ये लोगों ने भांगड़ा कर दिया इज्जत का नरेंद्र भाई की देखो पेपर लीक हो रहे हैं करप्शन हो रहा है ब्रिज टूट रहे हैं एक के बाद दूसरा ब्रिज टूट रहे हैं लट्ठाकांड हो रहा है लट्ठाकांड में पचहत्तर लोग मर जाए अब अब नरेंद्र भाई की इज्जत जा रही है ना विदेशों में तो। अब पुतिन देखेगा तो कहाँ से तो कह यार ये तो गुजरात से ही है तो ये बहुत और उनको अब देश संभालना है गुजरात हमें दे दीजिए अच्छी तरह से संभालेंगे एक बार मौका दे दी दीजिए और मैं नरेंद्र भाई को अपील करता हूँ कि इस भाजपा वालों के भी विश्वास मत करो आप ये आपके जो है ना खत्ते इतने इतने गुजरात को बदनाम कर रहे हैं यार और निर्दोष लोग भी मर रहे हैं अब देखो ट्रेजेडी डेढ़ सौ से ज़्यादा लोग मर चुके हैं अब नरेंद्र भाई के अब प्राइम मिनिस्टर की इज्जत दाव पर लगती है ना अमेरिका में तो, तो वो जहाँ जिस मीटिंग में जाएंगे तो क्या होगा डिस्कशन अंदर अंदर वो लोग बोलेंगे नहीं लेकिन करेंगे बात कि यार वो गुजरात में ट्रेजेडी हुई थी करप्शन की वजह से वो ब्रिज टूटा कोई कंपनी को ठेका दे दिया टेंडर के बिना और डेढ़ लोग से ज्यादा मर गए ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूं, हूं नरेंद्र भाई को कि एक बार है ना आप विश्वास करिए और अच्छी तरह से गुजरात चला कर ना दे तो पांच साल में बदल देंगे क्या दिक्कत है हम क्या सत्या से मांग रहे हैं अच्छा मेरा क्वेश्चन था कि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने जो उनकी उनकी माँ पे अटैक किया ड्रामेबाज वाला मैं कह रहा हूँ इसका क्या असर आपके पार्टी के प्रोस्पेक्ट पर असर पड़ेगा देखो गोपाल भाई साढ़े छः करोड़ जनता जो है उसमें से एक गोपाल भाई है गोपाल भाई ने पिछले क्या बोला ये क्या सत्ताईस साल में जो काम नहीं किया है भाजपा वालों ने सत्ताईस साल में काम नहीं किया है और इतना बुरा हाल कर दिया उनको हिसाब देना चाहिए फिर ये क्या बोल रहे हैं हिसाब नहीं देना है, एक काम करो गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो एडिटिंग वेडिटिंग करके चला दो और बोलो कि देखो गोपाल इटालिया ने ये बोला इसलिए आप हमें वोट दीजिए क्या मतलब है यार गोपाल इटालिया साढ़े छः करोड़ में जनता में से एक है भाई कौन है गोपाल इटालिया साढ़े छः करोड़ जनता में से एक है लेकिन आपने छह हजार स्कूल बंद की और छह हजार बंद करेंगे ये बताओ जनता को आपने ये तय किया है कि ग्यारह सौ गैस सिलेंडर का भाव है अब अगर सरकार आती है तो अठारह सौ करेंगे ये बताओ आपके ये बताओ कि सौ रुपये पेट्रोल डीजल पहुंचाए अब डेढ़ सौ होने वाले ये बताओ आप ये बताओ कि तेल के डिब्बे का तीन हज़ार पहुँचा है अब आप वोट दे दो तो पाँच हज़ार करेंगे ये बताओ ना ये नहीं बताएंगे क्योंकि उसके चलते उनको वोट नहीं मिलेंगे महंगाई इतनी आसमान पे है लोग आपघात कर रहे हैं किसान के आय दुगनी करने की जगह जावक हो गई है तो ये मुद्दे छुपाने के लिए बोल रहे देख लो यार गुजरिटाले का वीडियो लेकिन इस बार जनता ने तय किया कि आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल जी को जो दो में कहा था कि मुझे वोट दीजिए एक मौका दीजिए मैं कर कह दूंगा 2020 में वो बंदा कहता है कि मैंने काम किया है तो वोट देना बाकी मत देना अब पंजाब के जो आ, आ, चीफ मिनिस्टर है भगवत मान जी यहाँ आते हैं तो बोले कि मैंने सात महीने में काम किया है बिजली फ्री कर दी है उनचास लाख पंजाबियों की आपकी भी करूँगा अगर काम तो ये है काम से नौ वोट मांगते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो गोपाल इटालिया जी का वीडियो देख लो हमें वोट दे दिए गजब है उनके पास नरेंद्र भाई मोदी जैसे चेहरा है वो भी नहीं चल रहा है क्या इसका मतलब ये हुआ उनके पास जो सी आर पाटिल जैसा चेहरा है वो नहीं चढ़ रहा है क्या कि भाई सी आर पाटिल का तो गुनेगार है और बहुत बुरी तरह से उनका चेहरा आगे करेंगे तो ये पूरे पूरा ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कुछ बचा नहीं तो मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है जनता को बहुत रोष अब अब तो जग चुका है यार कि जनता को क्या मिलने वाले अब तीस हजार करोड़ का बे कह जाता है आपको और मुझे कुछ मिला पता नहीं तीस हजार करोड़ कहाँ जाते हैं प्लेन में रुक जाते हैं या ऊपर आ जाते हैं ऊपर से चले जाते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं तो पहली मार्च से यहाँ बिजली तो फ्री हो गई तो मुझे तो कुछ मिला आम आदमी को तो मिला तो आम आदमी को ये चाहिए ये आम आदमी की राजनीति चाहिए आम आदमी की सरकार चाहिए उद्योगपतियों की नहीं तो मुझे लगता है कि इससे और जनता रोश में जगेगी एक आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर अभी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है जब से ख़ास करके जब केजरीवाल जी ने कहा कि लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति आप करेंसी नोट्स पर डालिए वो कहा जा रहा है कि एक जो पहले जो एक सेकुलर इमेज जो बनाने की कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी अब उसने डिसाइड कर लिया है कि बीजेपी को हिंदुत्व के तरफ पे ही उसको टेक ऑन करने की कोशिश कर रही है ये क्या गुजरात में इसलिए कि गुजराती हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व का अपील ज़्यादा है गुजरात में या आप लोगों का एक परमानेंट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है सिंह साहब ये देखो ये नेचुरल है अरविंद केजरीवाल जी ने हम धनतेरस को मैंने भी पूजा की थी आपने भी की होगी लक्ष्मी जी की कि अरे माता लक्ष्मी की हम सब पूजा करते हैं कोई भी कार्य होता है तो गणपति जी की स्थापना करते हैं तो उनको एक विचार आया अच्छा विचार आया फिर उन्होंने देखा कि इंडोनेशिया जैसा देश है वो भी गणपति की तस्वीर रखता है अपनी नोट पे तो ये तो बहुत अच्छा विचार है और हम क्यों लक्ष्मी जी की पूजा करके उनकी तस्वीर रखते हैं ताकि हम वृद्धि हो तो अपना डॉलर के सामने अपने रुपया गिर रहा है तो उनको एक विचार आया कि काम करें लक्ष्मी जी और गणपति जी की तस्वीर रख दें चलनी नोट पे उससे कोई है तो नहीं खर्चा अब नेक्स्ट की बात है तो खर्चा तो है नहीं लेकिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा से अगर कुछ हो जाए क्योंकि हम सब आध्यात्मिक हैं धार्मिक देश है हमारा धार्मिक देश है ना हम पूजा करते हैं छठ पूजा करते हैं दिवाली मनाते हैं नवरात्रि मनाते हैं ये सब पूजा है तो ये मामला है कि अरविंद जी ने अच्छा विचार दिया कि ये रखना चाहिए तो उसमें पॉलिटिकल कहाँ है और दूसरा कि इंडोनेशिया जो 80 प्रतिशत मुस्लिम बस्ती है वहाँ पे फिर भी उन्होंने गणपति को मतलब और कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है सिर्फ भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं गणपति की तो तस्वीर नहीं आएगी लक्ष्मी जी की भी तस्वीर नहीं आएगी नहीं नहीं हम तो नहीं रखेंगे ये तो गलत बात है यार ये तो आप आप मतलब नकली तो आपका है वो, क, वो सामने आ गया लोगों के तो मुझे लग रहा है कि लोग इससे भी पूरे बहुत रोष में है यार आप माँ लक्ष्मी जी का विरोध कर रहे हैं ये तो गलत बात लेकिन आइडियोलॉजी की बात इसलिए आती है क्योंकि ना कभी अरविंद केजरीवाल ने ना यशोदान भाई ने जैसे मुद्दा ये है कि हमारे देश में कम नसीबी ये है यार आप कुछ कर नहीं रहे लेकिन यार अब सत्ताईस साल से हम हिसाब मांग रहे हैं हम हिसाब तो मांग नहीं तो सत्ताईस साल में स्कूलें बंद की अस्पतालें खत्म कर दी इन्होंने कोई एम्स नहीं आई मतलब कि अस्पतालों में प्राइवेट में इतनी लूट चल रही है पेपर लीक हो रहे हैं किसानों की हालत ख़त्म हो रही है और ये जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं लोगों को भटकाने के लिए कर रहे हैं तो हमने तय किया है कि हम आए राजनीति में हमें राजनीति करना नहीं आती है सिंह साहब हम बहुत सिंपल आदमी हैं यार हमें, हमें 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 ये करना है कि जो लोगों के पैसे टैक्स के पैसे हैं ना उसको वापस कैसे कर सके ये करना है बस और कुछ नहीं आता है ये लोग हमें इधर से उधर घुमाए करें मैं ये बोल रहा हूँ हम तो यार छोटे आदमी हैं हम कहाँ वो है और हमारे हाथ में सरकार है नहीं सरकार तो किसी और के हाथ में ये गुना गुना कोई और कर रहा है छोड़कर रोई कर रहे हैं और लोग पकड़ हमें रहे हैं कि क्यों नहीं अरे भाई जो गलत कर रहा है वो गलत है जी कहीं पे भी हिंदुस्तान की कोई भी जगह पे लेकिन सवाल ये है कि उनको जवाब नहीं देना है किसी का बस छः हजार स्कूलें बंद की तो उस पर मत पूछो इतनी फीस बढ़ गई तो उस पर मत पूछो पेपर लीक कितने हो गए दस ग्यारह ग्यारह पेपर लीक हो गए अभी एक पेपर लीक हुआ है कॉलेज का बीबीए का बीकॉम का गुजरात में जो भी बच्चा अपना पढ़ रहा है उसको डर है कि भगवान ना करे आम आदमी की सरकार अगर नहीं आई और भाजपा की आ गई तो फिर पेपर लीक हो जाएंगे उसके मामी पापा को डर है पचास लाख बेरोजगार युवाओं का कि भगवान ना करे भाजपा की सरकार आ गई तो साल फिर पेपर लीक हो गए मेरे बच्चे कुंवरे रह जाएंगे तो इस मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा ये गोड़ गोड़ घुमा रही है मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें राजनीति करनी नहीं आती प्लीज हमें काम करने के लिए पूछिए अगर हम सरकार में आते तो काम करके देंगे आपके रोड शो में भी देख रहा था जो सामने से लाउड स्पीकर से जो आवाज आ रही थी उसमें कि आप महिलाओं को आपको हजार रुपये पर महीना मिलेगा इसलिए अरविंद केजरीवाल को वोट दो आपको चार सौ यूनिट बिजली फ्री मिलेगी इसलिए अरविंद केजरीवाल को एक मौका दो तो ये इससे जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक फ्रीबीज और मतलब रेबरी कल्चर वाली बात शुरू की है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है आपके कैंपेन में कि सारा फ्रीबीज बीज की ये बात हो रही है क्या जनता केवल इसी फ्रीबी के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता टैक्स देती है धन का जनता का अधिकार है एक रुपया अगर लीटर पेट्रोल और डीजल भरवाती है, तो है, है ना जनता तो साठ रुपये टैक्स देती है साहब सुबह ब्रश करते हैं ना वहाँ से टैक्स चालू होता है शाम को जब सोते हैं ऊपर पंखा घूम रहा है ना उसका भी टैक्स देते हैं तो अभी साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों के चंद उद्योगपतियों के माफ़ किए तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है उसमें से कुछ चंदा ले लिया पार्टी का और पार्टी में एमएलए खरीद लिए तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है सरकारें गिरा दी तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है और जनता को जनता के पैसे से जनता को हम दे रहे हैं हम बोल रहे हैं कि हम देंगे तो वो फ्री की रेवड़ी है और उनको पता है कि हिंदुस्तान में एक नेता अरविंद केजरीवाल जी जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता है जो जो वादा नहीं किया है वो भी गारंटियाँ पूरी कर रहा है वो जनता के हित के लिए तो इसमें गलत क्या है मैं ये बोल रहा हूँ कि एक महिला को मुख्यमंत्री आप बनाओ उनका परिवार का डेवलपमेंट होगा महिला सशक्तिकरण बात कर रहे हैं लेकिन वो गरीब महिला जो दलित आदिवासी और गरीब घर गर की महिला है उसको क्या मिलने वाला है उससे कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन आप हजार रुपया दो तो उसको मिलेगा तो सच्ची सच्ची महिला सशक्तिकरण की बात तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं आप देखो 300 यूनिट बिजली यानी कि मैं दो महीने की 600 यूनिट तो 4300 तक के बिजली बिल फ्री आते हैं तो ये 4300 एक गरीब के घर में बच गए अब जॉब कर रहा है वो कैमरामैन है वो पत्रकार है कोई की वीडियो एडिटर है कोई क्लार्क है तो वो 25000 कमा रहा है 25 तारीख को उनके घर में पैसा नहीं रहता साहब बहुत जीरो हो जाता है तो वो बात करें तो गलत क्या है वही क्लार्क का बेटा अगर अकस्मात होता है पच्चीस तारीख को तो पैसा मांगने पड़ता है तो उसको फ्री का इलाज कहते हैं तो गलत क्या है अब समृद्ध देश देखो चालीस समृद्ध देश हैं वो फ्री दे रहे हैं सब कुछ इसलिए वो समृद्ध है और ये फ्री कोई लग्जरी गाड़ी तो नहीं है कि हम मर्सिडीज देंगे हम स्कूटी देंगे हम गैस सिलेंडर देंगे ये नहीं बात कर रहे हैं हम देखो सब कुछ ये वादा किया है गैस सिलेंडरों का गैस सिलेंडर दिया नहीं स्कूटी का वादा किया यूपी में हमको सरकार दीजिए हम, हम नहीं, नहीं और देखो भाजपा अगर गुजरात से गई तो समझ लो गुजरात की जनता भाजपा से सत्ताईस साल से कुशासन से मुक्त तो हो जाएगी लेकिन इसमें मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि देखिए वेदांता फॉक्स कौन को टाटा ये बस का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं मतलब महाराष्ट्र में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली मतलब बीजेपी को इन इशूज़ पर लेकिन अब यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में बीजेपी के पास बात करने के लिए है कि देखो इतने इन्वेस्टर्स इतने मैन्युफैक्चरिंग से सारे आ रहे हैं गुजरात में तो। इन्वेस्टर प्लान में वादा करता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी सत्ताईस साल में नहीं आएंगे ना उससे दो गुना ज़्यादा आएंगे और वो भी गुजरात की जनता की शर्तों पर इन्वेस्टर तो आते हैं लेकिन इन्वेस्टर के पास से आप हफ्ता लोगे कि मुझे चंदा दे दीजिए जनता को मत दीजिए फिर जनता भी लूटाती है आपको भी नुकसान है एक एकड़ जमीन साफ मुफ्त में दे देती दे, ये नहीं चलता देखो इन्वेस्टर को हफ्ता, हफ्ता हफ्ता मैंने समझा ये हफ्ता मतलब कि यही कि चंदा दे दो भाई इतना चंदा दे दो मैं इतना कर दूंगा ये कर देंगे दे, आपको ज़मीन फ्री दे देंगे रुपये टोकन में एक एकड़ जमीन दे देंगे क्या चीज़ है ये कि किसी के बाप की है क्या संपत्ति अब अब देखो एयरपोर्ट है नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट ये आए सरकार में एयरपोर्ट बिकने लगा पोर्ट बिकने लगे छप्पन लाख करोड़ का कर्ज था देश में छप्पन लाख करोड़ का सत्तर साल में नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं बहुत कांग्रेस ने लूटा मान गया लूटे आठ साल में वो छप्पन लाख से बासठ लाख होना चाहिए तैंसठ लाख हुआ कितना है एक करोड़ चास लाख करोड़ का कर्जा है इसमें आपने एयरपोर्ट बेच दिया कोई कोई मुद्दा तो उठाई यार मीडिया में कि आपने सब कुछ बेचने के बाद ये कर्जा हुआ है और आपने कोई 500 एम्स नहीं खुले हैं आपने कोई यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं खुली है कोई इतने रास्ते नहीं बने फिर भी इतना टैक्स और आप देख लीजिए जो पेट्रोल और डीजल पे चार रुपये इक्यानवे पैसे दो हजार में आप देख लीजिएगा टैक्स उसको बधाकर तैंतीस कर देते हैं पेट्रोल पे दस रुपया था उसको बढ़ाकर तैंतीस कर देते हैं और मजा करिए लूटाइए बाईस लाख करोड़ तो उन्होंने पाँच साल में ज़्यादा टैक्स लाकर लोगों का लूट लिया और फिर भी कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन रहा है कहाँ विश्व गुरु गुरु बन रहा है तो मामला ये है समझने की बात ये कि उन्होंने पूरा मैनेज किया है मीडिया मैनेज किया गलत बात है एक लास्ट क्वेश्चन अगर यशुदन भाई गादिर गादवी चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये छुड़ी हज़ार रुपये महिलाओं को या फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिग टिकट प्रोजेक्ट की बात करें तो बिग तीन बड़ी चीज़ें आप क्या करोगे देखो मैं आम आदमी हूँ पहले तो मैं आम आदमी आम सैनिक हूँ उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता लेकिन हाँ हमारी सरकार अगर बनती है देखो हमारी सबकी चाहत ये है कि सरकार आम आदमी की बने सरकार आम आदमी की बनेगी पहली मार्च से बिजली फ्री मिलेगी ये हमने गारंटी दी है महिलाओं के लिए हजार रुपये वाली गारंटी दी है बेरोजगारों के लिए रोजगारी गारंटी दी है दो लाख पर साल नवंबर तक हम सब भर्तियाँ पूरी कर देंगे नई स्कूलें खोलेंगे मौला क्लिनिक खोलेंगे और भर्तियाँ निकलेगी आउटसोर्सिंग कर्मचारी उसको पूरा पे दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पूरा पे दिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ढाई लाख करोड़ का बजट है वो जनवरी 2023 में पौने तीन लाख करोड़ का हो जाएगा उसमें से अब 30 प्रतिशत भी अगर ये करप्शन मान लो तो अस्सी हज़ार के करोड़ के आसपास करप्शन होता है हम करप्शन लीकेज बंद कर देंगे तो अभी जितने भी हमने जो वादे किए ना अठारह बीस हज़ार करोड़ के आसपास के हमारे पास तो साठ हज़ार करोड़ बचेंगे तो पूरा वादा निभाया जाएगा पाँच साल में जो सत्तर साल में विकास नहीं हुआ गुजरात का वो विकास होगा इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा वो उद्योगपतियों को हम ये कहेंगे कि हमें चंदा नहीं चाहिए लेकिन आप गलत मत करना बस काफ़ी है और आपको कोई अधिकारी परेशान नहीं करेगा तब तक जब तक आप गलत नहीं करते हैं देखो सिस्टम क्या होती है आज, आज, अमीर देश अमीर क्यों है आप अमेरिका में चले जाइए यूके में चले जाइए तो आपने अगर गलत नहीं किया और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी बोलते हैं ना तो आपको कोई उंगली नहीं आ सकता क्यों क्योंकि वहां कानून व्यवस्था ऐसी है जो बंधारण से चलती है आपने अगर गलत किया है तो प्राइम मिनिस्टर का भाई है तो भी आपको जेल में डाल देते ये सिस्टम होनी चाहिए गुजरात में और भारत में ये नहीं है अभी हम ये करेंगे कि अगर आपने गलत किया है तो कोई बचा नहीं पाएगा और आपने गलत नहीं किया तो हमें गालियां दीजिए आप हमारी पार्टी में भी मत जुड़िए हमें गालियां दीजिए फिर भी आपको कोई अधिकारी भी टच नहीं करेगा कोई पार्टी वाला भी टच नहीं करेगा तो ये कानून व्यवस्था हम खड़ी करेंगे और ये होनी चाहिए तब देश तरक्की करेगा आज आज कितने लोग डर रहे हैं व्यापारी डर रहे हैं उद्योगपति डर रहे हैं ये सब डर रहे हैं क्यों डर रहे हैं इसलिए डर रहे हैं कि भाई ईडी आ जाएगी इनकम टैक्स आ जाएगी फलान आ जाएगा और आप तो सब जानते हैं आप देखो अगर मीडिया वाले भी कुछ जाते हैं तो उसको भी थोड़ी सी एक ईडी की नोटिस चली जाएगी कैसे हैं भाई क्या है चल रहा है मीडिया वालों को नहीं छोड़ते हैं आप देखो जजिस का आप, आप हालत देखिए जिस जजिसों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपको मालूम होगा फिर जज के ऊपर एक लेडी वकील आरोप लगाती है उसकी जांच कहाँ चली गई क्या हो गया चीफ जस्टिस बन गए फिर राज्यसभा में चले जाते हैं क्या यार देश को बिकने निकले क्या ऊपर वाले से तो डरिए कम से कम आज नहीं तो कल हमें भी मरना है कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सत्ता पे आए तो हमें सत्ता नहीं चाहिए लेकिन कानून व्यवस्था ऐसी बनाएंगे हम गुजरातियों के ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पाँच साल में गुजराती खुद कहेगा कि मैंने सरकार की वजह से डेवलपमेंट किया है सुधाम भाई थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू द प्रिंट थैंक यू वेरी मच